परिहास में अनूठे का अनूठे किस्म से स्वागत करूंगा। आने दो उसको। मैं धमका। फिर तो धमका धमका के स्वागत करूंगा। आए क्या कह रहा है? किधर आ? स्वागत की धमकी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपका परिहास में धारावाहिक स्वागत है। धारावाहिक स्वागत? हाँ, मतलब स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। परिहास धारावाहिक में स्वागत है आपका। चेहरे पे चौड़ी मुस्कान हो या माथे पे शिकन, आने वाला आपके आने के तौर तरीके से समझ ही जाता है कि आप उनकी तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं या बुझे दिल से। अरे बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है, मगर जागृति नहीं आई। जागृति? ये जागृति कौन है यार? जागृति मतलब अपने अधिकारों का ज्ञान। जानता है, एक बार मेरा बेटा बैठा हुआ मोटी किताब पढ़ रहा था, तो मैंने कहा बेटा तेरी ये उम्र तो परियों की कहानी पढ़ने की है, फिर ये इतना मोटा पोथा है, बच्चे का पालन पोषण कैसे हो, ये क्यों? तो बेटा बोला, नहीं नहीं पापा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरा पालन पोषण सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ठीक ही तो कहा उसने, तुम्हारा कोई भरोसा है? जिंदगी में कोई ढंग की बात की है तुमने? ढंग की बात? हाँ, तू तो मेरी पत्नी की तरह बोल रहा है। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा, ए जी बिटिया बड़ी हो गई है, अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, इसके लिए कोई ढंग का लड़का ढूंढो विवाह के लिए। ठीक ही तो कहा उन्होंने। मैंने कहा, देख तो रही हो कितने विज्ञापन दिए, आजकल बुरा हाल है, अच्छे लड़कों का अकाल है, कोई ढंग का लड़का तो मिले। ये सुनकर वो बोली, तुम्हारी ढंग की बात पर मेरा मन है रोता, मेरे पिताजी अगर ढंग का लड़का ढूंढने की बात करते तो आज तक तुम्हारा ब्याह ना होता। अच्छा लड़का मिल जाए और शादी हो जाए तो बहुत बारा हो जाना चाहिए, पर यहाँ तो आलम ही कुछ और है। कहाँ? आओ देखते हैं, अपनी लल्ली शादी के बाद अपने ससुराल में ठीक से तो है। भाई क्या बात है संपत, शादी की खुशी तो तेरे चेहरे पे झलक रही है। और भैया झलके भी क्यों ना, जैसे तैसे तो तेरा नंबर आया है वैसे भी। क्यों भैया, तुम्हें क्या लगा कि मेरी सारी जिंदगी कुंवारी ही बीतेगी? भाई देख, हालात तो ये बयां करते हैं, वो तो भला हो भैया हरिया चाचा का जो लल्लन भैया फंस गए और अपनी बेटी तुझे ब्याह दी। तुझे अच्छा नहीं लग रहा? तुझ जैसा दोस्त हो ना तो दोस्त का जीवन बर्बाद ही समझो। तू तो बुरा मान गया। अरे मेरा कहने का मतलब ये है भैया, वो सुनार की बेटी है, सुनार की, थोड़ा ख्याल रखियो उसका बस। तो तूने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? शादी की हर बात क्या मैं तुझसे सलाह करके करूँगा? ये देख, मैंने तेरी भाभी को देने के लिए तोहफा भी खरीदा। कमाल कर दिया भाई। तो तुमने क्या मुझे फटेहाल समझा था? शादी की है, इंतजाम सारे पूरे। वैसे है कितनी, कितने की है ये? ये है पूरे 1.5 तोले की, और कीमत है इसकी 12,000 रुपए। 12,000 की है ये? बिल्कुल भाई, ये तो गुरु छा गए तुम तो भाई। ये तो वही वाली बात हो गई, मियाँ की जूती और मियाँ की चांद। वैसे भैया ठीक भी है, तूने भाभी को पहले ही राउंड में क्लीन बोल्ड करने की सोच ही ली। बिल्कुल सही है, सुनार की बेटी सोने की मार। अब तो सिर्फ रात का इंतजार है प्यारे, जब तेरी भाभी की कोमल कोमल उंगलियों में मैं ये अंगूठी पहनाऊंगा और वो कहेगी, प्राणनाथ मैं आपका ये तोहफा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बड़ा मजा आएगा प्यारे। भाई अब सारी स्वागत क्या ही मनाने के मूड में है तू? अबे तू पूरी रात फेरों पर बैठा है, तू थका नहीं अभी तक? अब नींद कहाँ, अब चैन कहाँ। अब ऐसा कर तू, तू भी जा और मुझे भी जाने दे। तुम्हारा नाम क्या है? लल्ली। ये तो तुम्हारे प्यार का नाम है, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? लल्ली। अच्छा, तो पिताजी को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने तुम्हारा पक्का नाम ही लल्ली कर दिया, क्यों? अब सही कहा आपने। अपनी उंगली दिखाओ। क्यों, काटोगे? हट, इतनी जल्दी भी क्या है? ये लो। अब अपनी आंखें बंद करो, जब तक मैं ना बोलूं आंखें ना खोलना। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। इतनी सुंदर अंगूठी मेरे लिए तोहफा लाए? हाँ। कितने तोले की है? 1.5 तोले की है पूरे। नहीं नहीं, 1 तोले से ज्यादा की तो नहीं लगती। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई? और इसमें हॉलमार्क BIS का चिन्ह भी नहीं है, सोने में खोट है। क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ, या तो तुम बेवकूफ बनकर आए हो या मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं सुनार के यहाँ पली बड़ी हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती।
इस शहर के सबसे बड़े जौहरी की दुकान से मैं ये अंगूठी लाया हूँ। तो क्या सुनार तो अपनी माँ का सगा नहीं होता। भाई तुम मेरा बिल्कुल मूड ऑफ कर रही हो। अब मूड खराब हो या ना हो, जो सही है मैं उसे बोलूंगी, और मैं नकली चीज को असली सोना कैसे कह सकती हूँ। मुझे नहीं पहननी तुम्हारी अंगूठी, पता नहीं किस नकली दुकान से लेकर आए हो। मेरे पास इसकी पक्की रसीद है। मुझे नहीं देखनी पर्ची वर्ची, बेवकूफ बनाने को मैं मिली थी। हाँ भाई कैसी कटी? अबे ऐसे मुंह लटका के क्यों आ रहा है? भाभी से पिटा है क्या रात को? सब ठीक तो है भैया? क्या खाक ठीक है? चल बताता हूँ, कल तुझे मैंने अंगूठी दिखाई थी ना, रात को तेरी भाभी को दी, वो कह रही है नकली है। रात से मुंह फुलाए बैठी है यार, बात ही नहीं कर रही। यानी तेरा बैंड बज गया। मुझे ये तो वही बात हुई, मां मिली ना राम, हत्या से हो गया काम। क्या बकवास कर रहा है यार, कोई रास्ता सोच। अच्छा एक बात बता, कहां से ली थी अंगूठी तूने? मैंने हलवाई चौक के पंकज ज्वेलर से। तो कोई पर्ची वर्ची तो दी होगी ना? बिल्कुल दी है। तो चल फिर। लेकिन अब वो काम आनेगा, वो कहेगा जब तुम्हें बेची थी तब तुमने खरी खोटी चेक ना की। अरे क्या, तू चल तो सही, माँ की माँ देख लेंगे। आ चल। आ जा। लाला जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार बनवारी, क्या हाल है भाई, कैसे आना हुआ? संपत तो कल भी आया था मेरी दुकान पे। इसीलिए तो आना पड़ा लाला जी। ऐसा क्या हो गया भाई? लाला जी कल जो आपसे अंगूठी खरीदी थी, एक तो उसका वजन कम है, दूसरा सोने में भी खोट है। कैसी बात कर रहे हो भैया, तुम पहले आदमी हो जो ऐसी बात कर रहे हो। मेरी बरसों की साख पे तुमने बट्टा लगा दिया है। अंगूठी तो लाए होंगे? हाँ दिखाओ भाई। लीजिए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। अभी लो, ये लो, ये रही तुम्हारी अंगूठी। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का। ये एक तोला, ये डेढ़ तोला हो गया। अब देख लेना, पूरा डेढ़ तोले है ना। रही सोने में खोट की बात, मनचाही जगह जाकर दिखवा लो। अगर सोने में खोट निकला दुगने सोने की अंगूठी बनाकर दूंगा तुम्हें मैं। उठा ले भैया। अच्छा लाला जी मेहरबानी। अब क्या करें, बीवी तो कहती है कि सोने में खोट है, और वो लाला कहता है कि अगर सोने में खोट निकला तो वो दुगना वापस करेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया कि मैं क्या करूं। ये अंगूठी मैंने क्या खरीदी, समझो जी का जंजाल ले लिया। भी तेरी समस्या वाकई में गंभीर है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भाई ऐसा करते हैं, कल अनुराग जी के पास चलते हैं। अनुराग जी के पास? तो वो क्या करेंगे, वो तो वकील है ना। अबे तू चलियो तो सही, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। चल अभी मैं चलता हूँ, तो आराम कर, सुबह चलते हैं, ठीक है? चलो देखिए अब क्या होता है। अरे ये सब ठीक कर देंगे, देखते हैं। नमस्कार वकील भैया। नमस्कार नमस्कार रामदीन संपत, आओ बैठो। भाई माफ करना, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए। दरअसल एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आ गया था, बस उसी में फंस गए। और सुनाओ सब ठीक ठाक रहा ना? सब ठीक ठाक वकील भैया, लेकिन एक समस्या आ गई है। समस्या बताओ। भैया वो संपत ने अपनी पत्नी के लिए एक अंगूठी खरीदी थी पंकज ज्वेलर्स से। अब उस अंगूठी के सोने में भी खोट है और वजन में भी कम है, लेकिन वो मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीते पीते मैं रामकिशोर ज्वेलर्स को फोन कर देता हूँ, वो भी आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा। अरे वाह भैया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। हेलो रामकिशोर जी, नमस्कार अनुराग बोल रहा हूँ। अब एक बात बताइए, दुकान पर ज्यादा ग्राहक तो नहीं है? जी वो एक सोने की अंगूठी की जांच करवानी थी आपसे। हाँ बस 5 मिनट के लिए दर्शन दे दीजिए। जी जी धन्यवाद, नमस्ते। पुष्पा जरा 4 कप चाय तो चढ़ाना। आप उपभोक्ता हैं, आपका अधिकार है अपनी संतुष्टि करना। भैया आप क्या बताएं, जान पर बनी हुई है, जेब की कमाई गई और उधर बीवी रूठी हुई है, सो अलग। अरे वो दुनिया देखी पर की बहू है, अब तुम्हारी तरह थोड़ी ना है। नमस्कार वकील साहब। आइए आइए रामकिशोर जी बैठिए। लाइए दिखाइए कहाँ है अंगूठी।
वजन तो एक तोले से भी कम है और सोने में भी खोट है। भाई इसका मतलब लल्ली की बात में दम है। अच्छा वकील साहब इजाजत दीजिए। अरे अरे चाय तो पी के जाइए। जी नहीं मन नहीं है, दुकान बंद करके आया हूँ, ग्राहक परेशान हो रहे होंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। धन्यवाद जी। संपत घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अंगूठी तो तुम्हें 1.5 तोले की ही मिलेगी और वो भी 1 महीने के अंदर। हीरे की अंगूठी अंगूठी में नगीना। सोने की परख है नहीं और गाना गा रहे हो हीरे की अंगूठी का। सब परख है मुझे और उस लाला का तो वो हाल किया ना कि वो जिंदगी भर याद रखे। अब पहेलियां ही बुझाओगे या कुछ बताओगे भी? एक मिनट, ये देखो असली सोने की अंगूठी। अरे ये तो असली अंगूठी है, कहाँ से लाए? उसी धोखेबाज लाला की दुकान से। मगर वो माना कैसे? अजी वो कहाँ मानने वाला था, हमने उसे मनवाया। वो कैसे? उस पे जिला उपभोक्ता फोरम में केस चला, जिससे उसने अपनी गलती मानी और उसे असली अंगूठी देनी पड़ी। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया कानून है। देखो मेहनत से बनवाई हुई अंगूठी भी मिल गई और रूठी हुई बीवी भी मान गई, क्यों? देखा आपने संपत और बनवारी ने कैसे सुनार को सबक सिखलाया। उपभोक्ता अगर सजग और अपने अधिकारों के बारे में जानता है तो अक्सर होने वाली ठगी और धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात, हर जगह खोट मिलावट यही सब तो हो रहा है। अरे हमारे पास जब अधिकार है ही तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि इनका रक्षा कैसे किया जा सकता है। हम तो सिर्फ बस अटकलें लगाने में लगे रहते हैं और ये लोग हम सबका बैंड बजाते रहते हैं। देखा आजकल कितनी जागरूकता है। हाँ भाई ये बात तो माननी पड़ेगी। और पढ़ने लिखने के कितने फायदे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये बार बार तुम ये बात मुझे क्यों सुनाते रहते हो? पर तू पढ़ने लिखने के नाम से चिढ़ता क्यों है? चिढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बार बार ऐसे बात करके मुझे चिढ़ाते रहते हो। चिढ़ाता नहीं हूँ, फिर बताता हूँ पढ़ाई लिखाई के कितने फायदे हैं। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा कहाँ पहुँच गया बताना जरा। आजकल IT का जमाना है, इंटरनेट और ईमेल का जमाना है। ए अनूठे ये सब होता क्या है जरा समझाना मुझे। देखो आजकल ईमेल के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी संदेश फोटो फाइल पहुंचाया जा सकता है और दुनिया से जुड़ा जा सकता है। ईमेल? हाँ। अरे अनूठे इसका और क्या फायदे हैं? अरे जमाना बड़ा तेज है, बाहर के मुल्कों में तो ईमेल से शादी होती है। क्या जमाना आ गया यार, इससे तो हमारा मुल्क ही अच्छा है। क्यों? अरे बाहर के मुल्क में तो ईमेल से शादी करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो सिर्फ फीमेल से ही शादी करते हैं। इसलिए कहता था अगर कुछ पढ़ा लिखा होता तो समझता। एक बार एक स्टेशन मास्टर की शादी हुई, गांव से विदा होते वक्त गांव की लड़कियों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और वो तब तक रोती जब तक ट्रेन चल ना जाए। तो स्टेशन मास्टर ने नवेली दुल्हन से कहा, सुनो आजकल अक्सर गाड़ियां लेट हो जाती हैं, जब सिग्नल डाउन हो जाए तभी रोना शुरू करना। पर असली रोना तो तब शुरू होता है जब पत्नी अपनी मांगे पूरी करने को कहती है। अरे तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक चुटकी भर सिंदूर से तो मांग पूरी हो जाती है, तो इसमें अधिकारों की मांग कहां? मांग का तो अपना अधिकार ही है बड़ा। अरे पहले मुझे अपने अधिकारों की सूचना दो, मेरे क्या क्या अधिकार है बताओ। देखो हाँ सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं। अच्छा। जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो आओ इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हाँ। अपने खास मेहमान से। जैसे अभी आपने देखा कि भी एक व्यक्ति ठगा गया, जैसे वो ठगा गया आप भी ठगे जा सकते हैं। आप बाजार में जेब में पैसा रख के किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं या किसी सेवा को लेने जाते हैं और पैसा देते हैं किसी विक्रेता को, तो आपका रिश्ता उसके साथ केवल लेन देन का रिश्ता नहीं है, कानूनी रिश्ता भी है। और वो आपके अधिकार हैं उपभोक्ता के कि यदि आपको कोई चीज़ जो चीज़ बेची जाती है उसमें कोई ख़राबी है तो आप उसमें खराबी दूर करवा सकते हैं और या वस्तु का रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन खराब हो गया, 1 साल की उसकी वारंटी है। वारंटी का मतलब यह है कि यदि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण त्रुटि के कारण ख़राब हुआ है तो वो उसको ठीक करके देंगे अपनी कीमत पर। तो आपको उनके सर्विस सेंटर पर ले जाना पड़ेगा, वो ठीक करके देंगे और पैसा नहीं लेंगे। गारंटी ये होती है कि वो कहें
कि भी अगर ये खराब हो गया तो बदल देंगे हम आपको। दुकानदार तो बात नहीं सुनता है, पर बड़ी कंपनी के पास अगर आप पहुंचेंगे तो वो शायद आपकी बात सुन ले। और इसके लिए एक मैं आपको टेलीफोन नंबर दूंगा, 1811 4000, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर है, जो सुबह 9:30 से शाम को 5 बजे तक यहाँ आप निःशुल्क टेलीफोन कर सकते हैं MTNL और BSNL की लैंडलाइन के जरिए। और इस टेलीफोन से आपको सलाह मिलेगी कि किसको शिकायत करें, कहाँ शिकायत करें और क्या लिखें, जिससे कि आपकी बात की सुनवाई हो सके। ये आपके अधिकार हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। तो बड़ा से बड़े दुकानदार हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो और आप अकेले हो तो आप घबराइए मत। पहले तो दुकानदार से कीजिए, आमतौर पर दुकानदार मना कर देगा, परंतु दुकानदार ने चीज़ बनाई नहीं है, उसने खरीदी है बड़ी कंपनी से, तो उस कंपनी का नाम पता जानकर उसको पत्र लिखिए। तो अगर कंपनी आपकी बात सुनती है, आपको जवाब देती है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर नहीं करती तो आपके पास कानूनी प्रावधान है। हिंदुस्तान के हर ज़िले में एक उपभोक्ता अदालत निर्धारित की गई है और उस अदालत में आप सादे कागज़ पर अपनी शिकायत लिख के दे सकते हैं और वो उपभोक्ता अदालत उस कंपनी के खिलाफ समन इशू करती है कि आके जवाब दीजिए। देखिए, इस अदालत में जाने के लिए वकीलों की ज़रूरत नहीं है, आप सादे कागज़ पे मजमून लिखकर और साथ में जो साक्ष्य हैं, जो पर्ची है, जो रसीद है, उसको लगा के भी भेज सकते हैं। उसकी कॉपियां देनी पड़ेगी कचहरी को, उससे रसीद करानी पड़ेगी, उस पर तारीख पड़ेगी, आपको तारीख पर जाना पड़ेगा, पर वकील ज़रूरी नहीं है। एक जागरूक उपभोक्ता क्रेताओं, जो बेचने वाले लोग हैं, विक्रेता हैं, उनको उनकी प्रतिद्वंदिता का फ़ायदा उठाकर अपने अधिकारों की रक्षा करता है और जहां उसके अधिकारों का हनन होता है वहां तुरंत उस पर वो विरोध प्रकट करता है और मार्केट में ऐसा वातावरण फैलाने में सहायक होता है जिससे कि विक्रेता मिलजुल के उसको उसकी हजामत ना बना सके। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शक अपने हितों से जुड़े हुए इन कानूनों से लाभ उठा सकते हैं और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके वो ना केवल अपने जीवन को मजबूत आधार दे सकते हैं बल्कि ज्ञानता के अभाव से होने वाले शोषण से बच सकते हैं। जरा सोचो, अगर हमारे देश में सभी लोग पढ़ लिख जाएं तो कितना अच्छा हो। वो तो है, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई बड़ी बोर लगती है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या है, इसे मजेदार बनाना पड़ता है। कैसे भाई? गणित मुझे बड़ा बोरिंग लगता था, ना मजा आता था ना याद होता था। उसमें एक फार्मूला था, a जमा बी का वर्ग बराबर है a का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। तो मालूम है मैंने इसे कैसे याद किया? कैसे? देख, लल्लू जमा लल्ली का वर्ग बराबर है लल्लू का वर्ग जमा लल्ली का वर्ग जमा 2 लल्लू लल्ली। समझे? हाँ, मैं समझ गया। क्या समझा बता? लल्लू और लल्ली की शादी हुई तो एक लल्लू एक लल्ली, कुछ साल बाद उनके 2 लल्ला लल्ली। अरे वाह अनूठे, अरे गणित में भी तो परिवार नियोजन है। अरे मूर्ख, कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी। क्यों? तूने तो गणित का भी परिवार नियोजन कर दिया। खैर आप इसकी बातों पे ना जाएं, काम की बात मैं आपको बताता हूँ। कानूनी साक्षरता नई दृष्टि देती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान अब आंदोलन का रूप ले रहे हैं। नई जागृति की लहर आ रही है, तो आइए आपको लेके चलते हैं ऐसे ही कानूनी साक्षरता शिविर। घरेलू हिंसा से इनका तात्पर्य यह है कि घर में ही जैसे पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, सास बहू पे कर रही है, जमीन को लेके, किसी चीज को भी लेके किसी तरह से भी उसका अधिकार छीन रहे हैं, तो वो सब क्या होगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा? घरेलू हिंसा के। तो उस महिला को क्या करेगी वो महिला? इस कानून के अंतर्गत जाके सहायता ले सकती है। ये कानून ये कहता है कि घर के अंदर रहने वाली वो हरेक महिला, चाहे वो बहू का रूप हो उसका, चाहे वो सास हो, माँ हो, घर की चार दीवारी में जो महिला रहती है और उसके ऊपर ये कानून हरेक उस महिला को सहारा देता है। जैसे सास है, मतलब हस्बैंड है, बहू को ताने देते रहते हैं कि तू क्या लाई दहेज में। खाली मारना पीटना ही नहीं, हम बात चीज की भी कर रहे हैं कि जब क्या होगा उसको, ऐसे महिला को ताने सुनाए जाएंगे कि दहेज में क्या लेके आई। हमने ये किताबें बनाई है, देखिए हमने जैसे ये घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005,
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा क्या है। तो देखिए, इसको चार प्रकार से परिभाषित किया गया। पहला, हिंसा खाली शारीरिक चोट तक ही सीमित नहीं है। दूसरे प्रकार क्या है, लैंगिक शोषण। देखिए, महिलाओं को इज्जत की नजरों से ना देखना, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। अच्छा, अब आता है भावनात्मक और मौखिक उत्पीड़न। मौखिक में जैसे कि हमने आपको बताया टॉन्ट कसना। अब चौथी, आर्थिक उत्पीड़न। अच्छा, स्त्री धन से समझते हैं आप लोग कुछ, स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है? जो माँ बाप अपनी बेटी को शादी के टाइम देते हैं, कुछ भी संपत्ति देते हैं, चीज देते हैं, जेवर देते हैं, तो वो उस पे उसका अपना अधिकार होता है। वो अपनी इच्छा से किसी को दे सकती है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती से वो किसी को नहीं दे सकती, उसमें चाहे उसका हस्बैंड हो चाहे सास ससुर हो। जो स्त्री धन होगा उसका अपना अधिकार होगा, वो कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा तो इसके अंतर्गत वो शिकायत कर सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा। मान लीजिए घर में कोई नौकरानी है, काम करती है, उस पे कोई अत्याचार कर रहा है, तो क्या वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट लिखा सकती है? घरेलू हिंसा नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो बाहर काम करने जा रही है। अगर उसके घर परिवार वाले उसको कोई टॉर्चर करते हैं या कोई दुख देते हैं, तो वो घरेलू हिंसा मानी जाती है। बिल्कुल सही, क्योंकि या तो वो खूनी रिश्ता हो या फिर शादी के बाद जो रिश्ता बने, पर किसी तरह से भी घरेलू घरेलू रिश्ता होना चाहिए। जैसे भाई बहन पे अत्याचार कर रहा है, वो क्या है? घरेलू हिंसा। पिता बेटी पे कर रहा है अत्याचार। एक और समस्या जिसका सामना हम महिलाओं को करना पड़ रहा है, वो है भ्रूण हत्या। खास करके कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित जब हम बात करते हैं, गर्भ में क्या पल रहा है, लड़का है लड़की है, उसकी जांच कराकर उस भ्रूण को गिरा दिया जाता है। मगर क्या हम ये जानते हैं कि ऐसा कानून हमारे देश में है जिसके द्वारा ऐसे करने वालों को सजा मिलनी चाहिए? गलत यह है कि पहले तो जवान ये रहता था कि लड़की रहते थे उसे खत्म करवा देते थे, लड़के को रख लेते थे, तो ये गलत नहीं। इसमें 5 साल की सजा है और जुर्माना भी ऐसा है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हो पाया गया 50,000 का जुर्माना। अच्छा, हमने अभी बात की कि घरेलू हिंसा क्या है, मगर हमने ये बात नहीं की कि अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको सजा क्या हो सकती है। 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और 1 साल की जेल, 1 साल का कारावास भी हो सकता है। जैसे एक बीवी है और उसके बाजू दूसरी बीवी का लेता, फिर उनको मतलब खाने का खर्चा नहीं दे सकता, कुछ नहीं, और कहते हैं तो भी घर में लड़ाई होती है। हमारा कानून ये कहता है कि जब तक एक शादी को खत्म न किया जाए तब तक दूसरी शादी इलीगल है, वो शादी मान्य नहीं होगी। तो वो शादी मान्य नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो पहली वाइफ है वही वाइफ रहेगी, उसके सारे अधिकार रहेंगे। बहू ना आती नहीं है, रहना नहीं चाहती लड़के के साथ, लड़का सीधा है और मतलब लड़की गलत है थोड़ा। हमारे कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसको अंग्रेजी में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहते हैं, मतलब जो अदालत है वो ऐसा निर्णय पारित करते हैं कि जो दोनों पक्ष हैं पति पत्नी, वो दोनों एकजुट होके थोड़े समय तक साथ रहें, तो वो उस आदेश के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। उनकी जो पत्नी है वो रहना ही नहीं चाहती है उनके साथ, और दोनों पति पत्नी ये सोचते हैं कि साथ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, हम अपना जीवन एक साथ नहीं बिता सकते, तो आपसी समझौते के ऊपर वो अदालत से तलाक भी ले सकते हैं। ये तो थी महिलाओं के कानूनी अधिकारों की बातें। माना कि ज्यादातर महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती ही नहीं, लेकिन क्या पुरुष अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हैं? दो कोटियां अपराध प्रक्रिया संहिता में लिखी गई है, वेलेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस। यह तथ्य प्रकाश में आ गया जो सीआरपीसी की धारा 41 है, जांच में 24 घंटे की जांच में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में कि इस अपराध से साहब हमको पुलिस रिमांड चाहिए, लेकिन पुलिस रिमांड में व्यवस्था की गई है कि 14 दिन से अधिक किसी भी दशा में पुलिस रिमांड नहीं हो सकती। आपके रिहाई का पर्चा संबंधित सुधार गृह कारागार 3 साल
3 साल तक की सजाएं करने का अधिकार है, इसलिए आपकी जमानत निरस्त कर देता है। यदि आपकी जमानत सत्र न्यायालय से भी नहीं हुई, ऐसा व्यक्ति जो सॉल्वेंट श्योरिटी है, यदि न्यायालय में आप नहीं आते हैं, न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हैं, आपके खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट जारी होंगे और आपकी बेल बॉन्ड कैंसिल हो जाएगी, फिर पहले की तरह आपको जेल में आने पड़ेंगे। तो देखा आपने, कानून की जानकारी हर किसी के लिए कितनी जरूरी है। सिर्फ वकीलों के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा है कि आप कानून की कुछ जानकारी लें, वो जानकारी हासिल करें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखती हो। सचमुच अपने अधिकारों को समझना और उनके लिए लड़ना जरूरी है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का हास परिहास। हमने हंसते हंसाते आपको आपके अधिकारों की जानकारी दी ताकि आप इनसे फायदा उठा सकें। और हम हमेशा चाहते हैं कि आप हमारी तरह मुस्कुराते रहें और हमारी दी हुई जानकारी से लाभ उठाते रहें। आप मान लें हमारी नसीहत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप मान लें हमारी नसीहत और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।